श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम मैं धर्मा लाइव चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आई एम नस्तूर दारूवाला, सन ऑफ बेजान दारूवाला, और उनकी लेगेसी में फॉरवर्ड कैरी कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेब्रुआरी 23 के प्रिडिक्शंस। फेब्रुआरी में एरिस राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। दोज हु आर कनेक्टेड विथ आयरन, स्टील, सीमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उनके लिए पूरा मंथ बहुत ही अच्छा जाएगा। और एरिस यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो अगर आप गणेश जी की आराधना करेंगे, ओम गण गणपताय नमः का जाप करेंगे, तो आपके लिए मंथ और बेहतरीन जाएगा। जो लोग रिटायरमेंट की इस तक पहुंच गए हैं, उनको और नया काम मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा मिल सकता है। और अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, हेल्थ की समस्या, लीगल इश्यूज परेशान कर रहे हैं, तो वो इस मंथ खत्म होंगे। एंड वंस यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए रेड कलर शुभ रहेगा एंड नंबर 9 विल बी वेरी लकी फॉर यू। श्री गणेशाय नमः। फॉर द साइन टोरस, वृषभ राशि, आप लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है, खास करके जो लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि टोरस साइन मोटा पैसा, बिग मनी के साथ भी एसोसिएटेड है। तो जो लोग फूड इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, शेफ लोग हैं, होटेलियर्स हैं, जिन लोग बैंक के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये जो मंथ है उसमें बिजनेस हाफ हाफ रहेगा। यानी आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं तो प्रॉपर सोच समझ करके साइन करना होगा, नहीं तो लॉसेस आ सकते हैं। हेल्थ विल बी वेरी गुड थ्रू आउट दिस मंथ। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा पीरियड है। कैसे, वो भी आपको जानना चाहिए, किस लाइन में जाना, क्या सब्जेक्ट्स लेना। इफ़ यू आर अनसर्टन, तो आप ये बार करेक्ट अपना सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत समय से शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उस समस्या का भी समाधान मिलेगा। एंगेजमेंट होगी, बच्चे होंगे, घर में खुशी का एक माहौल होगा। और ख़ास करके लेडीज़ के लिए, जो घर से काम करते हैं, जिनको प्रमोशन नहीं मिला है, जिनको जॉब नहीं मिली है, उनको भी जॉब प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस मंथ को एक हार्वेस्ट मंथ कहूँगा। हार्वेस्ट इन द सेंस, कब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति और प्रगति होगी। आपको ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करना है। और नंबर 5 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड महादेव जी को अगर मंडे याद करेंगे तो सोने पर सुहागा रहेगा। श्री गणेशाय नमः। दिस मंथ फॉर द साइन जेमिनी, आपको पहले तो अपना जानना चाहिए कि आपके अंदर क्या खूबी है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी, तो आप उस स्पेशलिटी को एनहांस कर सके। जेमिनींस के लिए यू लाइक रीडिंग, राइटिंग, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जो लोग खास करके ट्रैवल एजेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोग खास करके अखबार के साथ जुड़े हैं, चाहे संपादक हो, कैमरा वर्क के साथ जुड़े हैं, तो ये मंथ आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, पैसे आएंगे, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, या एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क हो गया, तो यू गेट ए बेटर पोस्टिंग। दिस मंथ आपको कॉशियस रखना है कि आप अपने टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल करें।
इमोशंस को कंट्रोल करें और ज़्यादा माइंड से सोच के काम करेंगे तो बहुत ही अद्भुत होगा। आपकी स्कूल है तो स्कूल बढ़िया करेगी, और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में क्लासेस चलाते हैं वो भी बढ़िया होगा, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। प्यार जीवन में वापस आएगा कैसे? अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो वापस शादी के योग हैं। अगर आपके प्यारे आपसे दूर चले गए हैं तो वापस आएंगे। इन शॉर्ट, लव रोमांस इज इन द एयर। आपको नंबर 4 लकी रहेगा। येलो और ग्रीन आपके लकी कलर्स हैं, और बहुत ही अच्छी बात करेंगे। आपको वेनसडे को विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को याद करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करिए, डोनेशन दीजिए। इससे क्या होगा, रास्ते खुल जाएंगे, आपको आगे आने की हिम्मत मिलेगी और आपकी प्रगति होगी। श्री गणेशाय नमः। फॉर द साइन कैंसर, ये जल तत्व राशि है, मूड स्विंग्स होंगे उसको कंट्रोल करना है, टेम्परामेंट हाई होगा उसको कंट्रोल करना है। बिकॉज बिलीव मी, एवरी गेम इन लाइफ दिमाग से ही जीती जाती है। तो अगर आपका दिमाग आपके साथ होगा तो बहुत ही बढ़िया पीरियड होगा। और ये राशि खास करके एस्ट्रोलॉजर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सॉन्ग राइटर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, पेंटर्स, उनकी राशि है। तो आप अपने फील्ड में ये मंथ बहुत अच्छा करेंगे, आपके क्लाइंट्स खुश होंगे, और इम्पोर्टेंट ये है कि वो ही क्लाइंट्स दूसरे क्लाइंट्स को लाएगा। ये मंथ अगर आप नई ऑफिस में शिफ्ट होना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं उसके लिए बैंक लोन मिलेगी, नए घर में जाना चाहते हैं वो भी संभव होगा। तो उससे पूरा घर खुशी में, आनंद में पूरा मंथ बिताएगा। लेडीज और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको भी नया व्यवसाय मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके वैल्यूएबल्स मिसप्लेस ना हो जाए, और एक्सीडेंट्स के योग है तो सावधानी रखनी होगी। ऑरेंज कलर इज लकी फॉर यू गुड पीपल, नंबर 1 इज लकी फॉर यू गुड पीपल। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शनिवार को हनुमान जी मंदिर जाइए और हनुमान साहब की आराधना करने से दिशा मिलेगी लाइफ में, ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की और गुड लक की। बिलीव मी, दिस मंथ बिलोंग्स टू यू। लियो राशि यानी सिंह राशि है, उसके लिए सूर्य, चंद्र और खास करके शनि बहुत मजबूती से काम करेंगे। सूर्य आपको जीवन में आगे बढ़ने की एनर्जी देगा, शनि आपके कर्मों का प्लैनेट है वो फल देगा। इससे क्या होगा कि आप अब तक जो अनडिसाइडेड थे, मैं क्या करूं, किस लाइन में जाऊं, कई लोगों को विदेश जाना है वीजा नहीं मिल रहा है, क्या मुझे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर द फ्यूचर, क्या मुझे बच्चे प्लान्स करना चाहिए, इन सब प्रश्नों का हल, समाधान आपको इस मंथ मिलेगा। जो लोग खास करके चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ जुड़े हैं, ज्वेलरी वर्क के साथ जुड़े हैं, क्लोथ्स के साथ जुड़े हैं, फार्मिंग के साथ जुड़े हैं, उनके लिए मंथ प्रगति और उन्नति लाएगा। लेडीज के लिए शादी है, रोमांस है, बच्चे हैं, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को अपने फाइनेंस की जो लिमिट है
उसके ऊपर एक्सपांशन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आप लोगों के लिए भी ब्लू और पिंक कलर बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपको विष्णु और महादेव जी को याद करना चाहिए, इससे और बल मिलेगा। एंड नंबर टू वेरी विल बी वेरी लकी फॉर यू। श्री गणेशाय नमः फॉर द साइन विर्गो। आपकी स्पेशलिटी, आपको साफ सफाई बहुत पसंद है, और अगर आप मिलिट्री में हैं तो आप प्रॉपर प्लानिंग से जीवन आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो अब आपको अपने पेशेंट्स के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम कर पाएंगे। अगर आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है, आपके लॉ इश्यूज हैं, फैमिली में इश्यूज हैं, वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, बॉसेस, ऑल टाइप ऑफ इश्यूज, प्रॉब्लम्स कम टू एन एंड, लाइफ गिव्स यू अ बेटर चांस। जिंदगी आपको दोबारा जीने का एक मौका देती है, सुंदर मौका देती है, आपको उस मौके को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग एविएशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी ये मंथ बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके बच्चे आपको आनंद देंगे, घर में रेनोवेशन डेकोरेशन हो सकता है, एक छोटी धर्म की यात्रा हो सकती है, और जो भारतीय विदेश में रहते हैं, तो आपको विदेश में जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं बढ़ रहा है, या काम चल नहीं रहा है, आपको लगता है मैं कहाँ विदेश आ गया हूँ, तब आपको काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, आपका विदेश में आना सार्थक होगा। और हेल्थ इश्यूज भी ये मंथ मुझे कुछ दिख नहीं रहे हैं। आप एक छोटी पूरे परिवार के साथ मनोरंजन की एक यात्रा भी कर सकते हैं, और आप लोगों को मंडे महादेव और पार्वती जी को याद करना है। नंबर 8 विल बी लकी फॉर यू। पिंक, ग्रीन और येलो कलर, ये मंथ आपको फॉरवर्ड, दूसरों से आगे आने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। श्री गणेशाय नमः फॉर द साइन लिब्रा। ये मंथ इतना अच्छा जाने वाला नहीं है, हेल्थ इश्यूज रहेगी, अपने स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? शांति, बेटर अंडरस्टैंडिंग कैन ओनली प्रिवेल। अगर आप बैठ करके बातें करते हैं तो समाधान हर चीज का निकलता है बातों से। आपको हेल्थ इश्यूज के साथ साथ एक्सीडेंट्स ना हो जाए, जॉब ना छूट जाए, उसका भी ध्यान रखना है। बट पैनिक, डरने की जरूरत नहीं, अगर अपने पर विश्वास रखेंगे, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये डिफिकल्ट पीरियड भी निकल जाएगा। एक चीज अच्छी है, इफ यू आर प्लानिंग द चाइल्ड, घर में बच्चे हो या आपके बच्चे हो, तो वो संभव है, नए मकान में जाना संभव होगा, पुराना मकान कब से रेंट पर देना चाह रहे वो नहीं होता है, तो वो भी संभव होगा। शनि प्लैनेट आपको जीवन में आगे आने के लिए, मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे। और जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गार्डनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजी, चार्टर अकाउंटेंट्स, जज साहब लोग हैं, वकील साहब लोग हैं, तो आप अगर इन प्रोफेशन में जुड़े हैं तो सावधानी रखें अपने काम में, अन्यथा प्रॉब्लम्स आएंगे। और आपको नंबर 9 और नंबर 10 दोनों का यूज करना है। आपको ग्रीन और रेड कलर का भी ज्यादा यूज करना है, और मेनली आपको थर्सडे को दत्तात्रेय भगवान का यूज करना है, मतलब कि उनकी आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जिससे कठिन
और ये मुश्किल का जो समय है वो आपके पक्ष में बैठे। गॉड इज विथ यू, डोंट वरी। श्री गणेशाय नमः। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जबरदस्त राशि है, क्योंकि आपके अंदर इतना आत्मबल है कि फ्रॉम द स्क्रैच आप ऊपर जा सकते हैं। कई समय आपके लिए ठीक नहीं गया होगा, पर अब जो मन था रहा है वो धीमे धीमे सुधार होगा। कैसे? रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, नौकरी में, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप डिप्रेशन में से बाहर आएंगे और काफ़ी अच्छा काम करेंगे। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सॉन्ग राइटर्स, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, एडिबल ऑयल, एविएशन इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, मिनरल्स के साथ जुड़े हैं, तब आपका पीरियड आपके तरफ लौट के आ रहा है। यस, जो समय चला गया वो चला गया, मगर अब समय आपके तरफ, आपकी फेवर में लौट के आ रहा है। अगर आप डिवोर्स के कगार पर पहुंच गए हैं, अगर आप पैसों की बहुत किल्लतें महसूस कर रहे हैं, तो उसमें से धीमे धीमे बाहर आएंगे। खास करके घर में बुजुर्ग वर्ग हो, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देना है। इन द मैटर ऑफ हार्ट, लव के अंदर आपको अपने स्पाउस की, अपने गर्लफ्रेंड की बात ज़्यादा सुननी चाहिए, और आपको भी महादेव और पार्वती जी को मंडे याद करना है। नंबर 9 इज लकी फॉर यू, क्योंकि आपके राशि का ही मालिक मंगल है, और आपके राशि का मालिक मंगल होने से आपको मंगलवार को गणपति को याद करना है, एक घी का दीपक बताना है, और ओम गण गणपताय नमः का जाप करने से ये मंथ और ज्यादा इंप्रूवमेंट और ज्यादा जीवन में प्रगति आपके लिए लाएंगे। श्री गणेशाय नमः। फॉर द साइन सेगिटेरियस, यू आर ए फ्री बर्ड। आपको किसी भी रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में अगर आपको कोई बांध के रखता है, आपको मजा नहीं आएगा। तो आपको वो प्रोफेशन चूज करना है जिससे आपको फ्रीडम मिले फॉर थॉट्स, काम करने की आज़ादी मिले, और अगर आपको आज़ादी मिलेगी तो आप बहुत बेहतरीन काम कर पाएंगे। टूरिज्म, प्रेस, रेडीमेड गारमेंट्स, और ख़ास करके अगर आप छोटे विलेजेस में रहते हैं और वहाँ से माइग्रेट करके फ्यूचर बनाने के लिए बड़ी सिटी में आना चाहते हैं, ये सही समय है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, चिल्ड्रन का प्लानिंग है, हाउस लेने का प्लानिंग है, कार लेने का प्लानिंग है, बेटर एजुकेशन का प्लानिंग है, विदेश जाने का प्लानिंग है, तो वो बिल्कुल संभव होगा। दिस इज द करेक्ट मंथ टू बी एडवेंचरियस। हिम्मत रखिए, प्रगति आपका इंतज़ार कर रही है। जब तक आप दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, वहाँ तक आगे कैसे बढ़ेंगे। और आपको नंबर 8 और नंबर 9 ज़्यादा यूज़ करना है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से येलो कलर भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ओवर द मून यानी कि अपने हिसाब से ज़्यादा काम ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च देते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा पीरियड बहुत ही अच्छा है। और जुपिटर और शनि आपको बहुत मदद करेंगे इस मंथ, और आपको लक्ष्मी जी को फ्राइडे याद करना है, ओम रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है, इससे और मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। ये मंथ कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन जमीन से जुड़ी हुई राशि है, शनि आपका मेन प्लैनेट है,
तो जो फार्मर्स हैं, ऑल थिंग्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ, जैसे मिनरल्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, कोल हो गया, मिनरल हो गया, इन व्यवसायों के लिए आप बने हैं और आपको इन बिजनेसेस करने चाहिए। ऑलरेडी करते हैं तो धन लाभ होगा, आर्थिक प्रगति होगी, यंगस्टर्स के लिए बेटर एजुकेशन, लव इज इन द एयर, लेडीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और बढ़िया दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मेडिसिंस के साथ आप जुड़े हैं, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के व्हीकल का अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, या आप डे टू डे एक्टिविटीज फ्रॉम ए वॉच टू ए फ्रिज टू ए शू अगर आप बनाते हैं, बेचते हैं, तो अब आप नई ब्रांचेस खोलेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ लव। और शनि, मंगल और केतु आपको काफ़ी सारी मदद करेंगे, और शनि, मंगल और केतु के लिए, उनको ज़्यादा खुश करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको मंगलवार को गणेश जी को याद करना होगा, ओम गण गणपताय नमः का जाप करिए। रेड कलर ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। और एक एस्ट्रो एडवाइस है आपके लिए कि आपको रात को चावल जो है, राइस, उसको एक सफ़ेद क्लॉथ में बांध करके अपने पास अपने बेडरूम में रखेंगे परमानेंटली वेर यू स्लीप, तो उससे और ज़्यादा ताकत, ऊर्जा और पैसे आपके मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः फॉर द साइन एक्वेरियस। आपको समझना होगा एक्वेरियस साइन क्या है। ऑल न्यू गैजेट्स, जैसे अब ऐसे शर्ट्स आ गए कि आपको आयन करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में अगर आप इन्वेंशन करते हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप लोगों का मिल्क का कामकाज है, अगर आप लोगों का लेदर का वर्क है, इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क है, तो शनि की जो ट्रांजिट होगी वो आपको आगे आने में काम आएगी। कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप एक्सपांशन कर पाएंगे। मैन पावर की समस्या है वो भी खत्म होगी। अगर ग्लास वर्क करते हैं, लिफ्ट्स का काम है, मैन पावर का काम है, अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वुडन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फार्मिंग के साथ जुड़े हैं, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम मिलेगा, पैसे आएंगे। जो लोग रिटायरमेंट की ओर चले हैं उनको एक्सटेंशन, प्रमोशन मिलेगा। एवरीबडी वांट्स कि उनका वर्क अप्रिशिएट हो, हम जीवन में आगे बढ़े, हमारी तरक्की हो, तो वो इस मंथ संभव है। चिल्ड्रन एट होम विल गिव यू ग्रेट हैप्पीनेस। एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो वो बीमार हो सकते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूर है, क्योंकि वो पेट्स नहीं है, वो आपके बच्चे हैं। और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखना है, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, अगर किसी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, शादी, ब्याह, बच्चे, ये मंथ खुशियां लाया है आपके लिए। और आपको हनुमान जी जी को याद करना है एवरी सैटरडे। ब्लैक इज योर लकी कलर, और आपको नंबर 6 और नंबर 7 को भी याद करना है। और जैसे जैसे मंथ एंड होगा वैसे वैसे चीज़ें आपके तरफ और ज़्यादा झुकेगी, बढ़ेगी, और आप पद और उन्नति करेंगे।
श्री गणेशाय नमः। दिस मंथ फॉर द साइन पाइसिस। पाइसिस की खूबी स्पेशलिटी है फ्रॉम ए क्रिकेटर टू ए एस्ट्रोलॉजर टू ए टॉप बिजनेसमैन टू ए वॉच मेकर, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में उतनी मेंटल कैपेसिटी है। तो अगर आप क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की गेम्स के साथ जुड़े हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, होटेलियर हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हैं, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ जुड़े हैं, मार्बल स्टील आयरन के साथ जुड़े हैं, तो बिजनेस अच्छा होगा, प्रॉफिट मिलेगा। यंगस्टर्स के लिए ये मंथ प्यार ला रहा है, स्पेशली साधु संत समाज के लोगों के लिए, जो लोग मंदिर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, योगा मास्टर्स हैं, लाइफ कोचिज हैं, अब आपको नया काम मिलेगा, बेहतरीन पैसे मिलेंगे, और आपके संबंध अगर आपके स्पाउस पार्टनर्स चिल्ड्रंस के साथ ठीक नहीं है तो सुधरेंगे। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। और आपको नंबर 9 नंबर 6 का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और सूर्य भगवान ओम रिम सूर्याय नमः का जाप करेंगे, बेहतरीन फल मिलेगा। और ग्रीन और येलो कलर आपके लिए लाइफ में पद और उन्नति ला सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी।